Good morning, students. I am your art teacher from MLZS Rampura Phool. Bache, today's art topic is spiral art. Bache, spiral art kya hota hai? Spiral mein hota hai ki hum kisi bhi cheez ko round aise bhi shuru karte hain aur is tarah se gol banate jate hain bina haath uthaye. तो इसको हम शेप्स के बीच में हम किस तरह से स्पाइरल आर्ट बनाएंगे वो आज मैं आपको बना के दिखा रही हूँ. सबसे पहले हम एक इजी शेप में स्पाइरल आर्ट बनाएंगे. देखो इसमें हम किस तरह से बनाते हैं. हमने एक कॉर्नर से स्टार्ट करना है और दूसरी साइड हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है. तो हम इस तरह से एक साइड से इस लाइन को जोड़ देंगे और दूसरी साइड से थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे. ठीक है बच्चे, अब हम जहाँ पर जो हमने स्पेस छोड़ी है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे. वहाँ से एक तीखे पॉइंट से शुरू करेंगे और हम थोड़ी सी स्पेस छोड़कर यहाँ तक ख़त्म कर देंगे और यहीं से फिर से लाइन को उठाएंगे और दूसरी साइड पे भी थोड़ी सी स्पेस रखेंगे और फिर यहाँ से लाइन स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे फिर से थोड़ी सी स्पेस बच जाएगी. इस तरह से हमने आगे आगे इसको लेके जाना है और जिस साइड पे स्पेस हमने पहले छोड़ी थी उसी साइड पे हमने दोबारा से स्पेस छोड़ते जाना है. बच्चे आप स्केल की हेल्प से भी बना सकते हो इसको. इस तरह से हम बिना हाथ उठाए इस शेप को बनाते हैं. ठीक है बच्चे, ये स्पाइरल आर्ट है. अब हम आपको बता रहे हैं कि हम हेक्सागन में किस तरह से स्पाइरल आर्ट करेंगे. ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम इसके बीच में एक क्रॉस बना लेंगे पेंसिल के साथ. ये पेंसिल वाली लाइंस जो हमने क्रॉस लगाया है इसके ऊपर हम स्केच नहीं करेंगे, ये हमारे लिए हेल्प लाइंस हैं. ठीक है बच्चे, अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कि किस तरह से हम बनाएंगे स्पाइरल आर्ट. बच्चे लाइन से मैंने जिस तरह से यहाँ से लिया था पॉइंट से थोड़ा पॉइंट छोड़ा था उसी तरह से मैंने इस लाइन से थोड़ा सा दूर पॉइंट रख के इसको छोड़ा है. अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसका पॉइंट यहाँ पे आएगा. इसी तरह से हमने जहाँ पे छोड़ा वहीं से स्टार्ट करके हम यहाँ पे थोड़ी दूरी पे इसको लगाएंगे. इसी तरह से हम नेक्स्ट आगे पॉइंट लगाते जाएंगे, उसके साथ इसको मिलाते जाएंगे. ठीक है बच्चे, ये हमारा एक ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल में करेंगे. इसी तरह से मैंने यहाँ से थोड़ा दूर रखा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया तो मैं इसको इसके साथ मैच कर दूंगी. अब पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे.
ये हमारा जो है फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल रेडी हो गया है। अब हम थर्ड में करेंगे। जैसे मैंने इस पॉइंट से इसको थोड़ा दूर रखा था, वैसे ही मैं इस पॉइंट से पेंसिल वाली से इसको थोड़ा दूर रख रही हूँ। यहाँ से हम फिर इस लाइन पे पॉइंट लगाएंगे और इसको इस तरह से मैच कर देंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे पॉइंट लगाते जाएंगे। ठीक है बच्चे, हमारा थर्ड ट्रायंगल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम फोर्थ करेंगे। ये इस पॉइंट से दूर है तो हम ये लाइन से थोड़ा दूर रखेंगे। अब है फोर्थ। ये हमारा फिफ्थ ट्रायंगल भी रेडी हो गया है। अब है सिक्स। ये यहाँ से थोड़ा दूर है तो हम यहाँ से थोड़ा दूर रखेंगे। इस तरह से ये हमारा स्पाइरल डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। तो आप बाद में इसकी जो ये जो हमने हेल्प के लिए लाइंस लगाई थी पेंसिल वाली, आप इनको इरेज कर सकते हो। बच्चे इस तरह से स्पाइरल आर्ट आप किसी भी शेप में कर सकते हो। जैसे मैंने ये हेक्सागन में बनाया है, आप इसको ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल में भी बना सकते हो और स्क्वायर शेप में भी बना सकते हो, सर्कल में भी बना सकते हो। इस तरह से आप किसी भी शेप में इस स्पाइरल डिज़ाइन को बना सकते हो। बस आपने यही जो है स्टेप्स यही फॉलो करने हैं कि हमने एक कॉर्नर से स्टार्ट किया और दूसरे साइड के कॉर्नर पे हमने थोड़ा सा ऊपर इसका पॉइंट लेना है और वहाँ पे इसको अटैच करना है, और फिर वहीं उसी दूसरे पॉइंट से हमने स्टार्ट करके दूसरी लाइन के
इस पॉइंट पे लेके जाना है और फिर यहाँ से इस पॉइंट पे, इस तरह से हम आगे आगे जाते जाएंगे। ये हमारा स्पाइरल आर्ट बनके रेडी हो गया है। ओके बच्चे, थैंक यू।